खबर झुंझुनू के बिसाऊ से है, जहां सुरा का बास गांव में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। थाना अधिकारी रिया चौधरी ने बताया कि 2 साल पहले सत्यवीर जाट की बेटी किस्मत कुमारी की शादी सुरा का बास में रहने वाले धर्मवीर से हुई थी और शादी के बाद से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। 11 जून को किस्मत की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। ससुराल पक्ष के लोगों ने फर्जी हस्ताक्षर कर शव का पोस्टमार्टम भी करवा लिया और अंतिम संस्कार तक कर दिया। खास बात यह है कि बेटी की मौत की सूचना पीहर पक्ष के लोगों को भी नहीं लगी और ऐसे में पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के 3 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मेरी पुत्री किस्मत की मृत्यु हो गई थी। उसमें सतवीर ने बताया कि 2 साल पहले मेरी पुत्री किस्मत की शादी मालपुरा गांव में मेरे ससुराल में की थी, जिसका ससुराल सुगा का बास थाना बिसाऊ में है। किस्मत की 2.5 साल पहले शादी हुई थी। तो सतवीर का कहना है कि मेरी पुत्री को इसके ससुराल वाले ननद पति सास ससुर परेशान करते थे, परेशान दहेज की मांग करते थे बार बार। उनके परेशानी से करके मेरी पुत्री की मृत्यु कर दी।